बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमारे बीच में परम पूजनीय परमादरणीय संध्या वंदनीय श्री श्री 1008 मां मंडलेश्वर स्वामी जी बद्रीनाथ जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जो आज हमें सेवा का मौका दिया है, दर्शन का मौका दिया है और आपने निमंत्रण दिया है और हम पाली से आए हैं। पाली में हमने 72 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई है और 270 मण गेहूँ का एक रोट बना के भला जी को प्रसाद का भोग लगाए हैं। अभी मैं सभी संत महात्मा मिलकर मिलते संत सुरक्षा मिशन का राजस्थान प्रदेश का प्रवक्ता घोषित किया है, तो मैं बाप जी के चरणों में आया हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। जितने भी यहाँ आए हैं, आप इतना दिन से जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा को और भागवत जी पुराण बनाने की कब आवश्यकता पड़ी। वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद सब बना दिया, फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। तो नारद जी के पास गए तो नारद जी ने कहा एक भागवत महापुराण बना दो ताकि लोगों का कल्याण हो सकता है। इसमें इस कथा को आपने सुनी है और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ माताओं बहनों से कि माता तीरथ पिता तीरथ, तीरथ ज्येष्ठ बंधवा, बचने बचने सतगुरु तीरथ और तीरथ अभ्यागता। सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता। इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपकी चमड़ी का अगर जूता बना के भी माता पिता को पहना दो फिर भी उनके कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं। तो जितनी माता बहना है अपने कथा का लाभ जब मिलेगा, आप अपने सासू और ससुरों की सेवा करोगे, सुबह उठ के प्रणाम करोगे और उनको गरम गरम भोजन कराना और कपड़े वपड़े धोना और एकदम बढ़िया सेवा करोगे तो इस कथा का लाभ मिलेगा। और पति परमेश्वर है, सुबह उठ के पति का मुंह देखना, पति की आज्ञा का पालन करना। सभी भाइयों से ये निवेदन है, एक प्रतिज्ञा लेके जाएगा अपने माता पिता को कभी ऐसा शब्द ना बोले जो इनके दिल में दर्द हो, माता पिता की सेवा करें। मेरे को समय दिया नहीं, आरती का समय हो गया, मेरे पास समय कम है। मैं बोलना ज्यादा चाहता था लेकिन समय का अभाव के हिसाब से क्या बोलूं, सब बोलने ही रह गया। बोलो सत्य गुरु देव की, बोलो गुरुनाथ जय हो।